गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा टॉपिक चल रहा था 16 महाजनपद, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में से हमने कुछ महाजनपद पढ़ लिए थे, ठीक है। अंग, मगध, काशी, कौशल, चेदी, मल, वस, कुरु, ठीक है। हमने 8 महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके 9वां महाजनपद देखते हैं, जनपद 9वां पांचाल, ठीक है। वर्तमान में जो रुहेलखंड का क्षेत्र है, इस समय पांचाल जनपद के अंतर्गत आता था और ये दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य नगरी थी, ठीक है। तो ये जो 9वां जनपद है पांचाल जनपद, ये दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी भाग। दोनों भागों की राजधानियां अलग अलग थी, ठीक है। एक ही अहिछत्र और दूसरी की कांपिल्य नगरी। अब अगला 10वां जो जनपद है मत्स्य जनपद, ठीक है। ये जयपुर प्रदेश में था और यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा हुआ है राजा विराट, जिसका उल्लेख हमें महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के युद्ध में इस राजा विराट ने भाग लिया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था और पांडवों ने अपने वनवास का जो अंतिम वर्ष था वो राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था और इस जनपद की राजधानी विराटनगरी थी। अगला जनपद है शूरसेन, ठीक है। शूरसेन ये मत्स्य जनपद के दक्षिण में शूरसेन जनपद था और इसकी राजधानी मथुरा थी। शूरसेन जनपद मत्स्य जनपद के दक्षिण में था और इसकी राजधानी मथुरा थी। अगला जनपद है अश्मक जनपद। दक्षिणी भारत में ये एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में था। गोदावरी नदी के तट पर ये जनपद था और इसकी राजधानी पाटन थी। तो ये एक छोटा क्वेश्चन भी बनता है कि दक्षिण भारत में कौन सा जनपद था, तो अश्मक जनपद दक्षिण भारत में था और ये गोदावरी नदी के तट पर था और इसकी राजधानी पाटन थी। अगला जो जनपद है वो है अवंती, ठीक है। वर्तमान में जो मालवा प्रांत है ये उस समय अवंती जनपद के अंतर्गत आता था और अवंती जनपद भी दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। तो पांचाल भी दो भागों में बटा हुआ था, अवंती जनपद जो मालवा वर्तमान में अगर मालवा प्रांत है वो अवंती जनपद के अंतर्गत आता था, दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी की राजधानी उज्जैनी और अकबर सॉरी जो अपने अशोक था वो गद्दी पर बैठने से पहले किसी उज्जैनी का ही प्रशासक था, ठीक है, या उज्जैनी का ही सूबेदार था, प्रांतपति था। और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी जो क्या थी, नर्मदा नदी के किनारे पर थी, ठीक है। और यहाँ का जो महत्वपूर्ण राजा हुआ है अवंती का चंड प्रद्योत, ठीक है, जिसके बिंबिसार के साथ मित्रता पूर्ण संबंध थे, हरिवंश के राजा बिंबिसार के साथ। अगला जो 14वां जनपद आता है गंधार जनपद, कश्मीर और तक्षशिला गंधार जनपद के अंतर्गत आते थे और इसकी राजधानी कौन सी थी, तक्षशिला। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। अगला जो जनपद है 15वां जनपद कंबोज जनपद, ये गंधार के उत्तर पश्चिम में ये जनपद था, ठीक है, और इसकी राजधानी रायपुर थी। कंबोज गंधार के उत्तर पश्चिम में था और इसकी राजधानी रायपुर थी। अगला जो जनपद है वज्जी संघ भी कह सकते हैं या वज्जी जनपद, देखो ये ऐसा जनपद था जो 8 राज्यों का संघ था, 8 राज्यों को मिलाकर एक जनपद बनाया गया था जिसे वज्जी संघ
कहा गया था। ठीक है, ये इसमें यहाँ क्या था, गणराज्य था, गणतंत्र था। ठीक है, इन राज्यों में जो महत्वपूर्ण है वो लिच्छवी है, विदेह है, यात्रिक है, ये महत्वपूर्ण थे। वैशाली के लिच्छवी हो गए, विदेह हो गए, यात्रिक हो गए। ठीक है, और ये भी एक महत्वपूर्ण जनपद था। ठीक है, तो ये हमारे 16 जनपद थे। तो छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सा जनपद 8 राज्यों का एक संघ था। तो बच्ची संघ जो जनपद था, ये 8 गण राज्यों का एक महत्वपूर्ण संघ था। ठीक है, तो बौद्ध और जैन साहित्य में हमें इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये भी पता चलता है कि इसमें ये जो 16 जनपद हैं, आपस में इनकी लड़ाई हुई, एक दूसरे को अपनी साम्राज्यवादिता का शिकार बना लिया, और छोटे छोटे जनपद बड़े शक्तिशाली जनपदों में क्या हो गए थे, विलीन हो गए थे। इन 16 महाजनपदों में से मगध, वत्स, कौशल और अवंती, ये 4 महत्वपूर्ण महाजनपद थे जिन्होंने छोटे छोटे या कमजोर जनपदों को अपने अंदर मिला लिया था। और यही 4 जनपद सबसे शक्तिशाली 4 महाजनपद थे। ठीक है, और 6 शताब्दी में यहाँ मुद्रा प्रणाली का आविर्भाव हो चुका था। ठीक है, आहत किए हुए सिक्के या ठप्पा मारकर बनाए जाने वाले सिक्कों का ये लोग प्रयोग करने लग गए थे। ठीक है, तो हमने इन 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा, और कल हम इन 16 महाजनपदों की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।